जी, तो आज से क्या है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन से हैं? यस सर, सर प्रेजेंटेशन से हैं एंड सर हमारा एक टॉपिक भी रहता है जो आपने कहा था। जी, वो रहता है, बिल्कुल रहता है, तो उसको जब मर्जी पढ़ लें, नेक्स्ट वीक पढ़ लें। सर जी देख लें सर जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सर नेक्स्ट वीक से कर लेते हैं, आज सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारी क्लासेस भी दो होंगी जो कमिंग वीक होगा फर्स्ट डे को, तो सर देख लें। लेकिन सर आज बच्चों जी ने सुनिए, प्रेजेंट भी करना है सर, सर ये आप उन्होंने तैयारी भी की हुई है सर, आप फिर उनसे भी पूछ लें। ओके। हाँ जी, कौन कौन, कितने प्रेजेंटर्स हैं आज के लिए? आर यू लिसनिंग? कुमार, सर सादिया कौसर है। ओके, सिर्फ एक है, जस्ट वन। हेलो, जस्ट वन। सर सादिया किस्सा और अदनान अशरफ। ओके, सो इफ दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, दे कैन स्टार्ट। यस सर। ओके, सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम एड्रेसिंग ऑल द स्टूडेंट्स, if they have any question regarding any topic or regarding the latest one, as usual no question. Okay then, start kisa. Am I audible? यस सर, ओके, किसा यू सर मेरा टॉपिक इंटेलमेंट है, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्ट हो रही है, डिस्टॉर्शन है वॉइस में ना, सो सॉरी आई कुडंट गेट व्हाट यू आर सेइंग। What was she saying? Is there anybody who is going to tell what was she saying? Her voice was not clear enough to understand. Hello, am I asked? सर जी किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही थी केसा की सर, सर आई थिंक Okay. प्रॉब्लम है उसकी तरफ। कि आज एक तो किस्सा की प्रेजेंटेशन है और एक आप किसकी कह रहे थे, अदनान? यस सर। तो अदनान नहीं है? तो क्लास ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा किस्सा, अगर तो आपके नेटवर्क में कोई इशू है तो शुड वी डिले योर प्रेजेंटेशन? इससे पहले वाले बच्चों का प्री सपोजिशन है तो पहले वो पढ़े, मैं स्टार्ट कर दूं। नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो कोई नहीं, प्रीसपोजिशन एक अलग से आपका रिलेशनशिप है, सेंटेंस रिलेशन मेरी आवाज है, आ रही है? डिस्टॉर्ट हो रही है अभी आपका सेंटेंस, ये कंप्लीट समझ में आया? सर मेरा नहीं ख्याल किया था कि योर इंटरनेट विल सपोर्ट यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। द प्रॉब्लम इज
Why do you turn your mic off before finishing your statement or sentence? Hello. Okay, I think we should discuss the remaining topic, and that is relevance theory. Isa, you are. मेरा नहीं ख्याल कहता कि आपका इंटरनेट आपको सपोर्ट करेगा आपकी प्रेजेंटेशन के लिए. So you people have got the book with you, Semantics and Pragmatics, ENG 508. So come to page number 56, lesson number 22, page number 56, and the topic is relevance theory. Yes, students, did you people get? वो entailment है, तो मुझसे पहले वाले बच्चों का presupposition है, तो इस तरह सीक्वेंस में करना है या मैं हुमा आप उसको बेशक मैसेज करके ना वॉइस मैसेज कर दें और किस वक्त बता दें कि इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होगी उसकी. ठीक है सर. हाँ जी, उन्हें कह दें कि वो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो फिर उसको डिले कर लें until that issue is resolved. Okay, did you people find the topic on the required page, please? Students, all of you are listening to me, and why aren't you responding? If I am audible, then you people must respond to me. Hello, Vakar. Am I audible? Are you listening to me? Vakar? Akil? Yes, sir. Sir, वो actually हम लोग वहाँ से notes ढूँढ रहे हैं ना, तो इसीलिए. Yes, should I start? Yes, sir. Yes, okay. So relevance theory, so if you people remember that we have already discussed implicature. Do you people remember that we have discussed already implicature? And is there anybody who can just narrate briefly what is implicature? Hello. यस सर, इसमें ये डिस्कस किया था कि एनी मीनिंग दैट कन्वेड इनडायरेक्टली और तो है तो किस वे कन्वे किया जाता है. ओके, अब ये जो रेलेवेंस थ्योरी है ये भी दैट इज रिलेटेड टू इनफैक्ट द सेम कि जब एक स्पीकर कन्वर्सेशन में इम्प्लिकेशंस यूज करता है और जो लिसनर है हियर है
tries to understand the meaning of the implicature by selecting the relevant information or the relevant features, keeping in view the context in which the speaker is speaking. अब चूंकि implicature के अंदर अभी जैसे आपने define किया implicature में the meanings are not stated directly, not explicitly, rather implicitly and indirect way. तो आपकी relevance theory में जो एक speaker listener है hearer है he receives the utterance or implicature and then he tries to understand it or he tries to find the relevant piece of information that can help the reader understanding what the speaker wants to say. तो वो ये देखता है context जहन में रखता है और फिर वो देखता है कि जो speaker ने utter किया है utterance जो दी है वो किस हद तक related है relevant है अकील सरजाना साहब आप उधर वहां पे कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल दें बोलने में क्या है अकील आर यू लिसनिंग यस सर तो आप बोल भी सकते हैं बोलें जो आप वहां पे लिख रहे हैं बोल दें एन एप्लीकेशन इज समथिंग द स्पीकर सजेस्ट रिप्लाइज विद एन एड्रेस और ओए ओए शोर बहुत है हेलो 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 सर जी जी सर आवाज ठीक है जब बोलते हैं तो बहुत ज्यादा शोर है बोले बोले ठीक है जो मतलब के स्पीकर सजेस्ट करके बोलता है थ्रू मतलब के एड्रेस थ्रू अपने आवाज के थ्रू राइट द सेम आइडिया द सेम थिंग कि जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं और आप उसको इम्प्लिसिट वे में करते हैं इनडायरेक्ट वे में करते हैं तो आपका इम्प्लिकेचर होता है आपने एग्जांपल भी यहाँ पे दी है द वुमन जॉन इज मीटिंग अ वुमन ओके टर्न योर माइक ऑफ प्लीज इको बहुत ज्यादा है जॉन इज मीटिंग अ वुमन दिस इवनिंग अब इट जब इज नॉट हिज मदर हिज सिस्टर और हिज वाइफ हाउ कि जो आपने इंप्लीकेचर दिया है जॉन इज मीटिंग अ वुमन दिस इवनिंग हाउ डज इट डिस्क्राइब दैट द वुमन जॉन इज मीटिंग इज नॉट हिज मदर और हिज सिस्टर और हिज वाइफ हाउ कैन वी से दैट हाउ कैन वी से दैट दिस इंप्लीकेचर सजेस्ट दिस सर इसका मतलब है कि जॉन इज मीटिंग विद द दिस वुमन दिस इवनिंग मतलब इसका भी श्योर नहीं है कि उसकी जो मीटिंग उसकी मतलब के मदर के साथ है या सिस्टर के साथ है या उसकी वाइफ के साथ है मतलब के बात क्लियर नहीं के और दूसरा ये जब आप ये जो स्ट्रक्चर है ना जॉन इज मीटिंग अ वुमन दिस इवनिंग गॉट इट अब ये जो स्ट्रक्चर है तो ठीक है कि इंप्लीकेशन इसके अंदर है कि नथिंग इज क्लियर इसके अंदर आपने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि व्हाट रिलेशन जॉन हैज विद द वुमन ही इज गोइंग टू मीट और फिर दूसरा ये है कि जब हम लगाते हैं ना अ वुमन ये एक जनरल के लिए हम जब लगाते हैं ओके जनरल के लिए लगाते हैं तो इसने ये जनरल आप जब आप बात करते हैं कॉमन आप लोग कह रहे हैं कि कॉमन नाउन है जनरली व्हेन इट इज डिस्कस्ड फिर आप ए लगाते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल ए भी इस बात को जो है वो शो करता है
कि जब आप दी लगा देते हैं तो दैट कैन बी द स्पेसिफिक अगर जिसकी पहले से जो है वो बात हुई है तो एनी हाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट जब विद एग्जांपल्स तो आपका इम्प्लीकेचर यही है कि जब आप किसी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में जो है वो बयान करते हैं क्लियर ओके अब इसी जो रेलिवेंस आपकी थेरी है तो कीपिंग इन व्यू द कॉन्टेक्स्ट अब आपने देखे हमने जो है वो कि हमने कहा था कि कैसे हम ये मीनिंग एक्सेप्ट करेंगे कि वो उसकी ना तो उसकी सिस्टर है ना उसकी मदर है ना उसकी जो है वो वाइफ है दैट कैन बी कम्प्लीटली अननोन स्ट्रेंज और दैट कैन बी इवन हर फैमिली मेंबर तो बाद में पता चलेगा कि वो जो उनका फैमिली मेंबर थी नहीं थी स्ट्रेंज थी वट एवर दैट इज उसकी इम्प्लॉय भी हो सकती है कोलीग भी हो सकती है बॉस भी हो सकती है और एनीबॉडी एल्स हो सकती है अब आप कॉन्टेक्स्ट से जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं ये आप फिर रिलेट करने की कोशिश करती हैं उस अटरेंस को विद द कॉन्टेक्स्ट तो ये रेलिवेंस थ्योरी यही है कि जिसके सामने आप जो है वो कहेंगे कि इस मीटिंग अ वुमेन अब वो किसको आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल जॉन के बारे में कुछ है वो इन्फॉर्मेशन है कि फॉर एग्जांपल जो है वो ही इज थॉट टू बी इन्वॉल्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी उसके बारे में कहा जाता है या वो किसी एक मर्डर में जो है वो मुलव्वस है ओके एंड इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग मेड इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एंड सडनली अ पर्सन कम्स एंड ही टोल्ड्स अ पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताता है दैट जॉन इज मीटिंग अ वुमेन दिस इवनिंग कि वो आज शाम जो है वो एक किसी जो है वो मिलने वाला है अब वो उसको उसके साथ जो है वो रिलेट करेगा कॉन्टेक्स्ट के साथ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ उस इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको जो है वो रिलेट करेगा उस जो है वो द थिंग दैट हैज बीन गिवन टू हिम और द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसको उसके साथ जो है वो रिलेट किया जाएगा यही रेलिवेंस थ्योरी है कि जो लिसनर होता है जो रिसीवर होता है हियरर होता है वो किसी भी अटरेंस को जो कि इम्प्लीकेचर है जिसके मीनिंग क्लियर नहीं है तो उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए वो उसको रिलेट करता है जो अवेलेबल क्लूज होते हैं जो अवेलेबल उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होती है वो आपकी वहाँ पे जो सोशल इंफॉर्मेशन है वो है वो इन्वायरमेंटल है वो उन क्लूज को यूज़ करते हुए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है इसी वजह से इसको हम रेलिवेंस थ्योरी कहते हैं। So relevance theory that emerged in 1980s in the collaborative work of Wilson and Sperber. So that is the collaborative work. It means that is the joint effort by the linguists Wilson and Sperber. And this theory. Proposes that conversational implicature is understood by hearers simply by selecting the relevant features of context and recognizing whatever speakers say as relevant to the conversation. तो जो भी speaker कहता है, जो speaker conversational implicatures use करता है, तो जो hearer है, वो उसको put करता है एक context में और फिर उसको understand करने की कोशिश करता है कि जो इसने कहा है, जो बात चल रही थी, क्या वो उससे relevant है? जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है क्या वो उससे रेलिवेंट है और अगर हियरर फील्स के जो इसने इम्प्लीकेचर दिया है जो इसने कहा है दैट हैज नो रेलिवेंस टू द टॉपिक ऑफ द डिस्कोर्स वो उससे रेलिवेंस नहीं है तो ही रिजेक्ट्स इट ओके और अगर उसे फील होता है कि कोई किसी हद तक है वो ये रेलिवेंस है तो वो हियरर उसको रेलिवेंसी को फाइंड आउट करता है और इस तरह से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है और ऑफ कोर्स होता भी यही है हम सम टाइम जो है वो कहते हैं कि यू जो है वो आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव सेड दैट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज रेलिवेंट टू हाउ वी आर डिस्कसिंग इट और इन व्हाट मीनिंग वी आर डिस्कसिंग इट तो सम टाइम ऐसा नहीं होता आप कहते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपकी हर बात कही हुई रेलिवेंट भी हो तो यही आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो रेलिवेंट है या वो रेलिवेंट नहीं है तो जब आपका फोकस जो है वो उस रेलिवेंसी को ढूंढने पे हो कि जो कहा है स्पीकर ने तो दैट इज कॉल्ड रेलिवेंस थ्योरी दिस थ्योरी इज सीन एज अ प्रैग्मेटिक थ्योरी बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली तो ये प्रैग्मेटिक थ्योरी है सिमेंटिक की बजाय प्रैग्मेटिक है बिकॉज यू नो सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो है ही यही कि सिमेंटिक्स में आप कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व नहीं करते और प्रैग्मेटिक्स में आप कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व करके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट इज वाई ये अपनी नेचर के लिहाज से प्रैग्मेटिक है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो अ कॉग्निटिव थ्योरी इन दैट इट इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड ऑन वन हैंड इट इज प्रैग्मेटिक एंड ऑन द अदर हैंड इट इज कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक्स इस वजह से है क्योंकि ये फोकस करती है और इस चीज को स्टडी करती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट और cognitive in that very sense कि आप जो relationship है
वेयर द रिलेशनशिप टेक्स प्लेस, या जो रेलिवेंस एक हियरर ढूंढता है तो वो कैसे ढूंढता है, कॉग्निटिवली वो ढूंढता है, तो वो पहले तो माइंड में ही इस चीज को जो है वो करता है, एनालाइज करता है कि किस हद तक ये रेलिवेंस है, किस हद तक रेलिवेंस है नहीं है। तो इसलिए चूंकि इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड, लैंग्वेज मीन्स व्हाट द स्पीकर सेज, और उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होती है, इन द माइंड ऑफ द लिसनर। तो उस तरह से लैंग्वेज और आपका माइंड, और दूसरी साइड पे व्हाट द स्पीकर सेज, उसके मीनिंग जो है वो क्या है, और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो है वो मीनिंग क्या बनते हैं, उसका रिलेशनशिप है। तो ये बोथ प्रैग्मेटिक एंड कॉग्निटिव। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। The core of the theory is the communicative principle of relevance. ये जो theory of relevance है, इसके दो principles हैं, यानी दो principles की मदद से इसको discuss किया जाता है। एक इसका cognitive principle है और एक इसका communicative principle है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल mention होंगे, हम उनको करेंगे। दो principles की मदद से इसको किया जाता है, cognitive principle and then the communicative principle. और जो कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल है, दैट इज द कोर, जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस थ्योरी का, वो उसका कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल। व्हेन हियरर्स एंड रीडर्स मेक सेंस ऑफ अ टेक्स्ट, क्योंकि आपकी टेक्स्ट स्पोकन टेक्स्ट भी होती है, इफ आई एम स्पीकिंग एंड यू पीपल आर लिसनिंग, तो ये भी टेक्स्ट है, ओके। एंड इफ आई एम रीडिंग, तो मैंने किसी का लिखी हुई टेक्स्ट को पढ़ रहा हूँ, वो भी टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट है, स्पोकन टेक्स्ट है। इस वजह से यहाँ पे रीडर्स और हियरर्स दोनों का जिक्र है। When hearers and readers make sense of a text, कोई भी टेक्स्ट वो पढ़ते हैं या किसी की बात को सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, they interpret the connections between utterances as meaningful. अब वो connections ढूंढने की कोशिश करते हैं कि what has been uttered, what has been said, what has been written by the writer or what has been uttered by the speaker. तो उनमें और जो बात हो रही है, जिस मौजू पे बात हो रही है, उनमें क्या रेलिवेंसी है, क्या कनेक्शन है। मेकिंग इन्फ्रेंसेस बाय ड्रॉइंग ऑन देयर ओन बैकवर्ड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। और ऑफ कोर्स जनरली हम ऐसा ही होता है कि हम फिर क्या करते हैं, हम किसी की बात को सुन के या किसी की लिखी हुई बात को पढ़ के हम इन्फर करते हैं। अब इन्फर क्या होता है कि हम लॉजिकली कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें we make use of the background information, the background knowledge. तो हम अपने स्कीमा को यूज़ करते हैं, अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को यूज़ करते हैं, हमारा प्रीवियस नॉलेज उसमें आता है, दैट इज़ ऑलरेडी देयर। इन तमाम को हम यूज़ करके वी ट्राई टू ड्रॉ आ लॉजिकल कंक्लूजन कि वट कैन बी द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द स्पीकर एंड वट कैन बी द एक्चुअल मीनिंग विच द स्पीकर वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू हिज अटरेंसेस। The purpose of communication is not to duplicate thoughts, but to enlarge mutual cognitive environments. जब भी आपकी communication होती है, आप communication का मकसद है वो ये नहीं होता कि आप एक ही बात को बार 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 चाहे वो करते रहे, ऐसा नहीं है कि एक ने जो बात की है और आप उसी को duplicate करते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि communication होती यही है जब हमारा purpose होता है to enlarge mutual cognitive environment. के आपकी कम्युनिकेशन तभी होगी कि समथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड, देन यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट इट, आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट इट मे प्रोलॉन्ग। ये प्रोलॉन्ग होती है, वो एनलार्ज होती है, वो वाइडन होती है, वो ब्रॉडन होती है अपने स्कोप में, एंड सो मेनी अदर आइडियाज जो है वो दे कैन बी डिस्कस्ड इन इट। तो कम्युनिकेशन ये नहीं होती दैट द थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड और द थॉट्स आर बीइंग डुप्लीकेटेड, कि आप उसको जो है वो डुप्लीकेट करते चले जाएं और उसके अंदर कोई न्यूनेस ना हो, जेन्युइन
sorry students, I lost network connection. Now am I audible? Yes sir. Okay, thank you. What was the last point that was under discussion? जहाँ तक आपको आवाज आई थी, वो कौन सा? जी, क्या पॉइंट था लास्ट? आपको कौन सी कहाँ तक मेरी आवाज आई थी? हेलो सर, ये हमारे बच्चे कम्युनिकेट। हेलो स्टूडेंट्स जी, सर कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल की आवाज की समझ नहीं आ रही लीला। ओके, कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल, द कोर ऑफ द थ्योरी इज द कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस। व्हेन हियरर्स एंड रीडर्स मेक सेंस ऑफ अ टेक्स्ट, दे इंटरप्रेट द कनेक्शन बिटवीन अटरेंसेस एंड एज मीनिंगफुल, मेकिंग इन्फरेंसेस बाय ड्रॉइंग ऑन देयर ओन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक क्लियर था? यस सर। ओके, the purpose of communication is not to duplicate thoughts but to enlarge mutual cognitive environments. The degree of relevance is won by contextual effects and processing efforts. So I think this was the point that we were discussing. Now the degree of relevance is won by, there are two factors or there are two elements that can affect degree of relevance to a great extent. हमारी जो डिग्री ऑफ रेलिवेंस है, इट मीन्स के वट एवर द स्पीकर अटर्स, उसका जो अटरेंस है वो किस हद तक रेलिवेंट है और स्पीकर कितनी उसमें से रेलिवेंसी फाइंड आउट कर सकता है। तो ये जो रेलिवेंसी की डिग्री है, इसका इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स और दूसरी है प्रोसेसिंग एफर्ट। कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट आपका क्या है कि जितने को ज्यादा देंगे, द ग्रेटर द रेलिवेंस ऑफ अ फैक्ट, उतना ही उसके अंदर रेलिवेंसी ज्यादा आ जाएगी। गॉट इट? कि आपके कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट क्या हैं, कि आप जो बात कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो जितना आपकी अटरेंस को, आपकी बात को सपोर्ट करेगा, तो उतना ही लिसनर के लिए, हियरर के लिए, रीडर के लिए इजी है आपकी बात को अंडरस्टैंड करना। सो बीइंग अ स्पीकर, हम कोशिश ये करते हैं कि जो कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स हैं, जो कॉन्टेक्चुअल क्लूज हैं, वो स्पीकर को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो हमारी बात को जो है वो समझ सके। अब इसके अंदर आपके क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स हैं, दे कैन इंक्लूड डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, अगर आप अपनी बात में नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, इट मीन्स के एक चीज़ बात पहले से हो रही है, ओके, समथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन टोल्ड एंड समथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्रेस्ड, समथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन सेड टू द हियरर, उसको पहले कुछ बताया जा चुका है और फिर आप उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन जो आप नई देते हैं, वो क्या करेगी? वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको क्लियर करेगी, उसको क्लियर करेगी। अब ये आपका एक कॉन्टेक्चुअल क्लू है कि आप उसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो दे देती हैं, न्यू इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कसौटी जैसे क्लूज दिए जाने हैं, उसके मुताबिक आपने किसी पर्सनैलिटी को पहचानना है, रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब वो आपसे क्या हेलो अगेन नेटवर्क प्रॉब्लम हेलो यस सर ओके तो मैं आपको वो एग्जांपल जो है वो दे रहा था जी एग्जांपल ही दे रहा था ना क्या था तो ये नहीं पता चलता ना कि कब आपके मेरी ना आवाज जाना बंद होगी कि लास्ट पॉइंट क्या था जो आपको सुनाई दे रहा था सर आप एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे
sorry again the same problem. Anybody can tell me, please, what was the last point that you people were hearing? क्योंकि मुझे वो बात का नोटिफिकेशन बाद में पता चलता है कि यू लॉस्ट नेटवर्क कनेक्शन और आवाज़ जो है वो पहले से जाना बंद हो जाती है था. नाउ आर यू लिसनिंग मी? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? आप लोग भी बोल लें फिर. यस सर. टर्न योर माइक ऑन जस्ट एंड टेल मी दैट यू पीपल आर लिसनिंग मी. Okay, what was the last point that I was discussing? Sir, हमें भी भूल जाता है बार-बार. आप लोगों को भूल जाता है? Sir, connection देखते-देखते ये भूल जाते हैं कि बात क्या चल रही थी. Sir, आप example discuss कर रहे थे. Which one? ओके एक कसौटी वाली शायद मेरे जहन में. ओके कि आपसे ये कहा जाता है कि दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज अ पर्सनालिटी. अब आपको बता दिया गया जी कि वो किस जो है वो कैटेगरी में से है. पहले आपको बता दिया जी कि वो आर्टिस्ट में से हैं. अब आर्टिस्ट में से हैं तो आप कहते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. अब वो बताया जाता है कि मेल है. अब ये न्यू इन्फॉर्मेशन दी गई. ओके फिर आप उसमें जो है वो फर्दर पूछते हैं वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है. बता दिया जी कि वो पाकिस्तानी है. अब ये सारी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन है. अब जब आपने समझा आपके जहन में था कि हो सकता है कि जो है वो पाकिस्तानी ना हो और वो कहते हैं पाकिस्तानी है. अब उसकी वजह से जो पहली आपकी जो एक इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट होगी. न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई. उसने आपको एक और कॉन्टेक्चुअल क्लूज दिया. तो ये कॉन्टेक्चुअल क्लूज हैं. न्यू इन्फॉर्मेशन थी कॉन्टेक्चुअल क्लूज में कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स में जो है वो शामिल है. तो जितने कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स आपके ज्यादा होंगे उतना ही हियरर के लिए लिसनर के लिए ये फैसिलिटेट करेगा कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता. तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो देते हैं और ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आप जो हियर ने अस्यूम किया है किसी चीज़ के बारे में उसका ये मीनिंग हो सकता है आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं या आप उसको कंट्राडिक्ट करते हैं. यानी अगर आप इस तरह से बात करते हैं कि जो हियर ने अस्यूम किया है वो उसको सपोर्ट करती है तो उसका आइडिया स्ट्रेंथन हो गया. और अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं कि जो हियर ने अस्यूम किया था वो उसको कंट्राडिक्ट करता है तो उसकी जो असम्पशन है वो वीक हो गई और वो अब अपनी नई डायरेक्शन के अंदर जो है वो सोचेगा. तो जितने कॉन्टेक्चुअल आप इफेक्ट्स ज्यादा होंगे उतना ही आपका जो रेलिवेंस है किसी इफेक्ट का वो ज्यादा हो जाएगा. दूसरी बात हो रही थी प्रोसेसिंग एफर्ट की. प्रोसेसिंग एफर्ट का सिंपल सा ज़हन में रखें कि अगर स्पीकर की बात को अंडरस्टैंड करने के लिए जितनी ज्यादा ज़हनी मेहनत स्पीकर उसको लिसनर को करना पड़ेगी उतनी बुरी बात है. और जितना काम उसे मेहनत करना पड़ेगी कि उसकी जो प्रोसेसिंग एफर्ट है प्रोसेसिंग हियर मींस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग उसकी जो मेंटल प्रोसेसिंग है डीकोडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ द स्पीकर है तो जितनी उसे एफर्ट कम करना पड़ेगी उतना ही द बेटर इट इज. तो वो उतना ही फोकस जो है वो करके चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा. मतलब जो है वो परसेप्शन पे फोकस करेगा बजाय इसके उसे पता ही ना चले कि क्या है. तो द डिग्री ऑफ आपकी जो कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स है जितनी ज्यादा ये होंगी उतना ही बेहतर है और प्रोसेसिंग एफर्ट जितनी कम होगी उतना ही बेहतर है. यानी आप दूसरे को यूं कह सकती हैं कि द लेस एफर्ट जो है इट टेक्स टू रिकवर अफेक्ट द ग्रेटर द रेलिवेंस. जितनी स्पीकर को लिसनर को सॉरी काम कम करना पड़ेगा मेंटली उतना ही वो रेलिवेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है और वो चीजें आसानी से वो अंडरस्टैंड कर लेगा. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. So here are the principles of relevance theory. जैसे पहले जिस नाम दो principles हैं cognitive principle और आपका communicator principle. Cognitive principle आपका जो है वो क्या है? Okay, Wilson and Sperber classified relevance theory into two main principles, cognitive and communicator. अब कॉग्निटिव प्रिंसिपल को पहले मैं आपको इजी वर्ड्स में बता दूं कि कॉग्निटिव प्रिंसिपल क्या करता है. अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव प्रिंसिपल ह्यूमन माइंड टेंड्स टू मैक्सिमाइज रेलिवेंस
अंडर द कॉग्निटिव प्रिंसिपल हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो क्या करता है, टेंड्स टू मैक्सिमाइज रेलिवेंस। तो हम मेंटली इस बात की कोशिश करते हैं कि जो रेलिवेंस है आइडियाज की, चीज़ों की, हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। जितनी रेलिवेंस हम ज़्यादा करेंगे उतना ही कम्युनिकेशन जो है वो करते रहते हैं। तो ये चूंकि कम्युनिकेशन की जो डी कोडिंग है ये कहाँ पे होती है, माइंड के अंदर होती है, तो उस वजह से ये कॉग्निटिव प्रिंसिपल है। सेकेंड आपका पॉइंट कॉग्निटिव प्रिंसिपल में क्या है, तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो रिकग्नाइज करता है रेलिवेंट स्टिमुलस को। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुलाई उसका प्लूरल होता है। अब स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी काम जो बात हमें कोई काम करने के लिए कहती है वो स्टिमुलस है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो मार्क्स अच्छे आना ये रेलिवेंस है। या हम इस वजह से पढ़ते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, वो हमारा स्टिमुलस है। हम डिग्री इस वजह से लेना चाहते हैं कि वी मे गेट अ जॉब, वो हमारा स्टिमुलस है। गॉट इट? तो स्टिमुलस होता है। हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगती है, तो प्यास हमारी स्टिमुलस है। खाना खाते हैं बिकॉज वी फील हंगर, तो हंगर इज द स्टिमुलस। अब बोलने में जो वो स्टिमुलस क्या है, जो स्पीकर बोल रहा है वो उसमें जो जो मीनिंग दे रहा है हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी वो कहता है वो स्टिमुलस है। जो वो वर्ड्स हमें दे रहा है, जो वो वर्बल क्लूज हमें दे रहा है, वो जो हमें हिंट्स जो है वो दे रहा है, वो स्टिमुलस है। तो हमारा माइंड एक तो ये करता है कि टेंड्स टू मैक्सिमाइज रेलिवेंस, दूसरा जो ह्यूमन माइंड है वो ट्राइज टू रिकग्नाइज रेलिवेंट स्टिमुलस या स्टिमुलाई। तो उनको जो है वो रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है कि कौन सा रेलिवेंट है, ये बात रेलिवेंट है ये नहीं, ये रेलिवेंट है ये नहीं, ये रेलिवेंट है ये नहीं है। और इसी तरह से ह्यूमन माइंड जो है फिर उसको ट्राइज टू ड्रॉ रेलिवेंट कंक्लूजन, जो उसने सुना होता है, और तो फिर उसकी बुनियाद पे वो उसमें से रेलिवेंट कंक्लूजन करना चाहता है, इन्फर करना चाहता है, इस नतीजे पे पहुंचना चाहता है कि ओके स्पीकर ने ये कहा होगा, स्पीकर का ये मतलब होगा, क्योंकि उसका कंक्लूजन तो यही है ना कि स्पीकर की बात सुन के उसका कंक्लूजन यही है कि हम उसकी इंटेंशन, उसके मीनिंग, उसके जो है वो जो कहना चाहता है हम उसको अंडरस्टैंड करें, तो ये हमारा जो है वो कंक्लूजन है, तो हम उसको कंक्लूड करते हैं। ये इनफैक्ट हमारा जो है वो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है कि हमारा जो माइंड है वो मैक्सिमाइज करता है रेलिवेंस को, रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है, हमारा जो रेलिवेंट स्टिमुलस दिया जाता है स्पीकर की तरफ से, और फिर उसकी बुनियाद पे वो एक रेलिवेंट कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। अब यहाँ पे देखें आपका क्या है, एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोवाइड्स एन इनपुट टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस मे बी रेलिवेंट टू एन इंडिविजुअल एट सम टाइम। कॉग्निटिव प्रिंसिपल ये डिस्कस हो रहा है कि कॉग्निटिव प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस है, स्टिमुलस एक्सटर्नल है क्योंकि वो स्पीकर बोल रहा है, अल्फाज है, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, और आप उन अल्फाज को सुन के, स्टिमुलस को सुन के आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये इंटरनल आपकी रिप्रेजेंटेशन है। विच प्रोवाइड्स एन इनपुट टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस मे बी रेलिवेंट टू एन इंडिविजुअल एट सम टाइम। अटरेंसेस रेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेलिवेंस। जिस तरह से स्पीकर अटर कर रहा है उसके जो अटरेंसेस हैं वो रेलिवेंस की एक्सपेक्टेशन को जो है वो बढ़ा देते हैं, यानी इट मींस के जो है वो ही विल बी अंडरस्टूड नॉट बिकॉज स्पीकर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द कॉग्निटिव प्रिंसिपल एंड मैक्सिम बट बिकॉज द स्पीक्स फॉर। अगर आप ये नहीं करना चाहते, जस्ट मैंने आपको जो तीन पॉइंट बताए हैं आप वो कर सकते हैं कि अंडर कॉग्निटिव प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, ह्यूमन माइंड टेंड्स टू मैक्सिमाइज रेलिवेंस, ह्यूमन माइंड रिकग्नाइजेस रेलिवेंट स्टिमुलस, या और थर्ड वन हमारा जो माइंड है वो ड्रॉ करता है रेलिवेंट कंक्लूजन को। ओके, आप इसको जो है वो यू कैन लीव इट। सेकंड है कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल। अब कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, इसमें भी तीन पॉइंट्स आप कर सकते हैं। फर्स्ट वन है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल जो अट्रेंसेस हैं, जो स्पीकर बोलता है, अट्रेंसेस आर कंपैटिबल विद द एबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर प्रिंसिपल कि हम क्या डिस्कस करते हैं, एक तो अट्रेंसेस आर कंपैटिबल विद द एबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेटर, कि आप जिस से बात कर रहे हैं, जो आप अटर कर रहे हैं, वो
इस लेवल का हो कि अगला बंदा आपका जो कम्युनिकेशन पार्टनर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक होना चाहिए. इट मीन्स कि आपके अटरेंसेस दे शुडन बी टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड. कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास उस चीज़ का नॉलेज बहुत कम है और आप इतना फिलोसॉफिकल या ऐसी जो अटरेंसेस देते हैं जिसके अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके कम्युनिकेटर या आपसे बात करने वाले की सलाहियतों से कंपैटिबल नहीं है, तो फिर कम्युनिकेटर प्रिंसिपल जो है वो नहीं होगा, फिर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. अटरेंसेस हो जाएगी लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी. तो कम्युनिकेटर प्रिंसिपल एक तो ये कहता है कि हमारे जो अटरेंसेज हैं दे शुड बी कंपैटिबल विद द एबिलिटीज ऑफ द कम्युनिकेटर. सेकेंड, जो हमारा एड्रेसी है यानी जिससे हम मुखातिब हैं, addressee considers information worth of मुझे नहीं लगता ये आज लेक्चर भी मुकम्मल करने देगा नेट. Yes, Almas. What was the last point I was? Addressee की बात कर रहे थे हम सर. सर second point discuss कर रहे थे communicative वाले. जी. Right. Thank you. कि जो हमारा addressee है, वो जो information speaker दे रहा है, तो वो उसको इस काबिल समझे कि मैंने इसको process करना है. प्रोसेस करना मीन्स यानी माइंड में डी कोड करना है, अंडरस्टैंड है वो करना है. और अगर एड्रेसी कंसीडर द मैसेज गिवन बाय द स्पीकर वर्थ प्रोसेसिंग और वो समझता है कि जो स्पीकर कह रहा है उसका ये मैसेज जो है वर्थ प्रोसेसिंग है ही नहीं, तो फिर भी आपका जो है वो रेलिवेंस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ही विल नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द जो है वो रेलिवेंट क्लूज उसमें से ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, प्रोसेसिंग नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट बात नहीं बनेगी. तो सो जो सेकंड कम्युनिकेटर हमारा प्रिंसिपल है उसमें पॉइंट है कि जो एड्रेसी है ही शुड कंसीडर इंफॉर्मेशन वर्थ प्रोसेसिंग. एंड थर्ड वन, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एड्रेसी. पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एड्रेसी, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप कोई बात कह रही हैं, तो उसके ऊपर उसका जो है वो एड्रेस ये शामिल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू लेंड यू हिज और हर बुक, अगर आप अपने अटेंडेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लियर, तो अब आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेटर प्रिंसिपल के मुताबिक जो आपके अटेंडेंसेस हैं इस बात को इंश्योर करें कि दे आर कंपैटिबल विद द एबिलिटीज ऑफ द कम्युनिकेटर. सेकंड, हम ये देखेंगे कि एड्रेसी कंसीडर्स इंफॉर्मेशन वर्थ प्रोसेसिंग, वो आपकी उस बात को रिक्वेस्ट को सुन भी रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, और फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एड्रेसी उसके ऊपर उसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट है. कि इट मीन्स कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो वो कोई रिस्पॉन्ड करेगा, आइदर ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट आर नॉट. अगर आप कोई ऑर्डर दे रही हैं तो आइदर ही इज गोइंग टू ओबे इट आर नॉट. आप जस्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो वो क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड बाय द एड्रेसी आर नॉट. तो पॉजिटिव इफेक्ट यही होता है कि जब आपने कोई बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की है तो आपका जो हियर है, आपका जो लिसनर है, तो वो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड उसने कर लिया या नहीं कर लिया, तो ये उसका पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट है. नाउ लेट्स सी व्हाट द बुक सेज. कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस इज एन अटेम्प्ट टू वर्क आउट वन ऑफ ग्राइस सेंट्रल क्लेम्स दैट एन एसेंशियल फीचर ऑफ मोस्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इज द एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंशंस. तो जो कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल है वो ग्राइस के जो ग्राइस के हमने कुछ मैक्सिम्स पढ़े थे आप लोगों को याद होगा, वो ग्राइस की जो सेंट्रल क्लेम्स हैं और उसका सेंट्रल क्लेम क्या है ग्राइस का, वो ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, उसका सेंटर जो है वो क्या है, वो है एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंशंस. एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्निशन, स्पीकर एक्सप्रेस करता है अपने इंटेंशन को और लिसनर रिकॉग्नाइज करता है. यही कम्युनिकेटर प्रिंसिपल है कि एक स्पीकर एक्सप्रेस करे, लिसनर उसको रिकॉग्नाइज करे, तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. तो ये उसके ग्राइस ने जो मैक्सिम्स दिए थे, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो थर्स्ट ऑफ हिज जो है वो मैक्सिम्स है, वो यही है कि
expression and recognition of her intentions, what actually the speaker wants to say and how the listener wants to understand. We keep on producing stimuli. हम stimulus produce करते रहते हैं, हम उसको clue देते रहते हैं, हम utterances produce करते रहते हैं, which gain other people's attention. वो हमारे addressee के attention को draw करते हैं and thus lay the ground for communication. और इस तरह से चाहे वो they pave the way for understanding, for communication. तो जो communication है उसके लिए एक रास्ता आपका हमवार होता है. It is the tendency to maximize relevance that makes it possible to predict and manipulate the mental states of others, knowing your tendency to pick out the most relevant input. तो इस तरह से आप just ये understand करने की कोशिश करते हैं कि what the others wants to say, and you चाहे वो try to find out the relevance clues given by the speaker. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें. नो सर, क्लियर है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें अगर कुछ छोटा सा और पॉइंट हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी मींस या नेक्स्ट वीक में तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Ji, Allah Hafiz.